हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर जो कि यूनिट टू है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की और बुक नंबर फर्स्ट क्लास ट्वेल्थ की, तो अपन आज उसकी पार्ट नंबर 9 की बात करेंगे। तो पार्ट नंबर 9 में आपका स्वागत है। तो अपन आज बात करेंगे वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर, एज इट्स नेम सजेस्ट, वेपर प्रेशर मतलब वेपर जो लगाए प्रेशर किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, एक क्लोज सिस्टम के अंदर, जिससे कि लिक्विड और वेपर दोनों क्या रह सके, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रह सके, उसे ही क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन का हर एक वर्ड समझते हैं। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो अपनी डेफिनेशन क्या बोलती है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब एक रिएक्शन के अंदर जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब समझते हैं इसको अपन एक देसी एग्जाम्पल से। अपन एज्यूम करते हैं अपने पास दो दोस्त है, और क्या कर रहा है, एक दोस्त एक गड्ढे को खोद रहा है और दूसरा दोस्त उसी रेट से उस गड्ढे को फिल कर रहा है। तो क्या आपको वहां पे कोई चेंज दिखेगा, नहीं। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वहां पे जो अपने पास सैंड है वो क्या है, एक तरह से स्टिल है। इसी को क्या बोलते हैं कि वहां पे रिएक्शन तो हो रही है, एक दोस्त उस गड्ढे को खोद रहा है और दूसरा दोस्त उसी रेट से उस गड्ढे को फिल कर रहा है। तो आपको ये तो पता है कि वहां पे रिएक्शन हो रही है, बट वहां पे कोई चेंज नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या होगी अपनी डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। अब समझते हैं इस पूरी डेफिनेशन को एग्जाम्पल से। तो अपना एग्जाम्पल क्या है, अपने पास एक बीकर है और इस बीकर में लिक्विड प्रेजेंट है अपने पास, और ये जो बीकर है वो क्या है, ये बीकर क्या है, क्लोज है। अभी जो बीकर है अपने पास ये क्लोज्ड है और इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है, और यहीं पे अपने क्या देखने को मिल रहा है कि इस लिक्विड की यहां पे क्या बन रही है, वेपर बन रही है। अब अपन बात करते हैं जब लिक्विड से बनती है किसी की वेपर, तो उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और जब लिक्विड से जब वेपर बनी तो क्या बोलते हैं, लिक्विड से वेपर बनी तो इवेपोरेशन, और जब वेपर से लिक्विड बनता है मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है कुछ, तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो जब वेपर से लिक्विड बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, क्योंकि यहां पर वेपर्स क्या हो रही, कंडेंस हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो यहां पे इसको समझते हैं अपन कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ये वेपर्स जो लगा रही है प्रेशर लिक्विड के ऊपर, जिससे लिक्विड और वेपर्स क्या है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, उसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, सिंपल। अब बात करते हैं यहां पे कि लिक्विड से इस सिस्टम के अंदर लिक्विड से अपने पास क्या बन रही है, वेपर, और दूसरी तरफ वेपर से मतलब बैकवर्ड साइड में क्या बन रही है, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर वेपर से लिक्विड बन रही है। तो यहां पे लिक्विड और वेपर क्या है, एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब यहां पे रिएक्शन तो हो रही है बट अपने को कुछ चेंज नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं यहां पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है अपनी, ये जो कंडीशन आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि एक प्योर लिक्विड की, एक प्योर लिक्विड की मतलब उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं है, एक प्योर लिक्विड की अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक प्योर लिक्विड का कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, तो मैं बोल सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सिंपल। अब बात करते हैं कि वेपर प्रेशर मेनली किस किस फंडे पे डिपेंड करता है, मतलब कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स ऑन
फैक्टर नंबर ए इज नेचर ऑफ लिक्विड एंड फैक्टर नंबर बी इज टेम्परेचर। तो अपन बात करते हैं कि जो वेपर प्रेशर अपना, वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फैक्टर इज, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स ऑन फैक्टर नंबर ए इज नेचर ऑफ लिक्विड एंड फैक्टर नंबर बी इज टेम्परेचर। अब बात करते हैं यहां पे नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड। तो अपने पास लिक्विड है, उसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, अगर उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, मतलब वो टाइटली बाउंड है, मतलब यहां पे अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, मतलब अगर वो टाइटली बाउंड है, तो वहां पे अगर वो टाइटली बाउंड है तो अगर मैं उसको हीट करता हूं तो हीट करने में वेपर्स बनेगी, और वेपर्स बन रही है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वेपर्स यहां पे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड का ज्यादा है तो वेपर्स क्या बनेगी, डिले होके बनेगी, मतलब वेपर क्या बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। अगर वेपर धीरे बन रही है तो वेपर अगर धीरे ही बनेगी तो वेपर जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर भी क्या लगा पाएगी, कम लगा पाएगी, क्योंकि अगर वेपर ही धीरे बन रही है तो वेपर कम बनेगी, अगर वेपर कम बनेगी तो वेपर जो है अपनी वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर कम एग्जर्ट कर पाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर वेपर ही कम बन रही है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम, क्योंकि अगर वेपर ही कम बनेगी तो वेपर कम बनने पे वहां पे लिक्विड पे प्रेशर क्या हो पाएगा, कम। अगर लिक्विड पे प्रेशर ही कम लग रहा है वेपर्स का तो हमें वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, लिक्विड हैविंग मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड हैविंग मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब लिक्विड हैविंग मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैव लेस वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, अगर वो अट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो अगर उनको हीट करेंगे अपन तो हीट करने पे वो जब वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो उनकी वेपर्स भी क्या बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। अगर वेपर धीरे बनेगी मतलब वहां पर वेपर जो है वहां पे क्या है, कम है। अगर वेपर कम है और वेपर धीरे बन रही है तो वो वेपर्स जो लिक्विड अपना उस बीकर के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उस पर प्रेशर भी क्या लगा पाएगी, कम लगा पाएगी। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि वहां पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर बी की। फैक्टर नंबर बी क्या अपना कि वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर अपन लिक्विड को बॉयल करते हैं, अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वहां पर वेपर्स क्या बनेगी ज्यादा, अगर वेपर्स बनेगी ज्यादा तो वेपर्स लिक्विड के ऊपर प्रेशर भी क्या लगाएगी ज्यादा, अगर वेपर्स लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रही ज्यादा तो वहां पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। सिंपल। अब बात करते हैं, ये अपन ने समझ लिया यहाँ पे इजीली दो फैक्टर्स जो कि अपन देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पहला नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन पढ़नी है, और वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन अपनी, उस इक्वेशन का एक स्पेसिफिक नाम है, उसको बोलते हैं अपन क्लॉसियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्लॉसियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। तो वो इक्वेशन होती क्या, बेसिकली वो इक्वेशन एक रिलेशन है किस किस का, वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास क्लॉसियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन है क्या। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन होती है लॉग P2 डिवाइड बाय P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय 2.303 आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इनटू ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। यहां पे P2 और P1 क्या है, वेपर प्रेशर, और T2 एंड T1 क्या है, टेम्परेचर, और डेल्टा एच वेप क्या है, यह है हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। सिंपल। अपन बात कर सकते हैं यहां पे कि अपने पास ये जो है इक्वेशन, इसे क्या बोल सकते हैं अपन, इसका नाम क्या है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। और यहां पे P1 और P2 क्या है, P1 एंड P2 आर वेपर प्रेशर, एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। सिंपल।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको याद करना है और आपको इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन अपन बार बार में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आपको ये इक्वेशन बहुत इजीली याद हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे डेल्टा एच वेब को, लिख देते हैं डेल्टा एच वेब के। यहाँ पे डेल्टा एच वेब इज नथिंग बट इट्स हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। ये क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब बात करते हैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, मतलब इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर लिखेंगे अपन तो वो आपको यूज करना है। तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है? इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है डी एल एन टी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर। क्या होता है इसका डिफरेंशियल फॉर्म? इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है अपने पास डी एल एन पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसे क्या बोलते हैं अपन, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय आर दैट इज गैस कांस्टेंट टी स्क्वायर। ये क्या है? इस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है। ये क्या है? इस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म। बेसिकली आपको ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं दोनों, ये इनसे क्वेश्चन बनता नहीं। क्वेश्चन बनेगा कहां से? बनेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जो अपन आगे की लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आपको केवल इन फॉर्मूले को एक बार सुपरफिशियली देखना है, और इसको अगर न्यूमेरिकल आए तो आपको ये फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे। बट बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स है वो कहां से फ्रेम होते हैं? न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद करनी है, जो कि अपन सीखेंगे एकदम डीपली, और जहां तक क्वेश्चन बनते हैं वहां तक सीखेंगे अपन। तो यहां तक अपन ने समझ लिया कि ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, log P2 by P1 is equal to delta H vaporization divided by 2.303 R bracket 1 by T1 minus 1 by T2, और इसकी differential form क्या है, d ln P by dt is equal to delta H vaporization divided by RT square। तो ये easy बात है। अब बात करते हैं अपन कि vapor pressure depend तो करता है nature of liquid पे और temperature पे, तो ये depend किस पे नहीं करता, ये समझते हैं अपन। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? तो वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ कंटेनर एंड स्पेस अवेलेबल फॉर वेपर। अब आप इस लाइन को सुनकर टेंशन मत ले, अपन इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, जो कि एग्जांपल आपको इजीली माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, आपकी स्क्रीन पे ये रही कि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड डजंट डिपेंड ऑन, फर्स्ट फैक्टर इज अमाउंट ऑफ लिक्विड, अच्छा जी, दूसरा फैक्टर साइज ऑफ कंटेनर, और तीसरा फैक्टर स्पेस अवेलेबल फॉर वेपर्स। अब समझते हैं इसको एग्जांपल से, ये तो अपनी डेफिनेशन होगी, अब भाई इसको समझें कैसे अपन। तो अपने पास दो बीकर्स है, अपने पास दो बीकर्स है, पहला बीकर है उसका वॉल्यूम V है, और उसके अंदर जो अपने पास लिक्विड प्रेजेंट है वो क्या है, उसका मोल्स है N अपने पास। तो ये बीकर जो B है ये क्लोज है, क्योंकि अपन किसी बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम की। तो ये जो बीकर अपने पास बीकर A, तो ये बीकर जो A है अपने पास, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उस लिक्विड का वॉल्यूम है अपने पास V, और इस लिक्विड के मोल्स क्या है N, जो भी इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट उसके मोल्स क्या है एन। अब बात करते हैं अपन कि अपने पास ये जो बीकर है ए, इसके डबल वॉल्यूम का अपने पास दूसरा बीकर है, और उसके अंदर मोल्स भी क्या है एज कंपेयर टू इनिशियल बीकर, उसमें मोल्स भी क्या प्रेजेंट है डबल। तो अपन बात करते हैं बीकर नंबर सेकंड की, जिसका वॉल्यूम इनिशियल बीकर मतलब बीकर नंबर ए से क्या है, वॉल्यूम भी डबल है और उसके अंदर मोल भी क्या प्रेजेंट है डबल एज कंपेयर टू इनिशियल बीकर। तो ये भी क्या है अपने पास बीकर नंबर बी भी क्लोज है, तो ये बीकर अपना बी बीकर। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट अपने पास, लिक्विड प्रेजेंट है, और जो लिक्विड प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम क्या है एज कंपेयर टू इनिशियल बीकर 2V, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है डबल एज कंपेयर टू इनिशियल, और इसके अंदर मोल भी क्या प्रेजेंट है डबल। तो अपन ने बात कर ली अपने पास बीकर नंबर ए है और बीकर नंबर बी है। अब बात करते हैं यहां पे अपन कि अपने पास फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू व्हाट NRT, PV is equals to NRT, so P is equals to NRT by V, और यहां पे P क्या है, वेपर प्रेशर, सिंपल। अब बात करते हैं यहां पे NRT by V, यहां पे अपने पास मोल्स क्या है गैस के, सॉरी मोल्स क्या लिक्विड के N,
अब यहाँ पे लिक्विड के मोल्स हैं, बट ये क्या आइडियल गैस इक्वेशन, अपने गैस के मोल्स देखने हैं, तो भाई यही तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, गैस के अंदर। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मोल्स क्या प्रेजेंट है n, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या प्रेजेंट है अपने पास बीकर का v, तो यहाँ पे अपने पास अपन लिख दिया वॉल्यूम क्या है अपने पास v और मोल्स क्या है n। अब बात करते हैं बीकर नंबर b की, तो बीकर b के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट p, अब क्या अपन ने p डैश लिख लिया इसको, p डैश v इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या प्रेजेंट है बीकर का 2v, और यहाँ पे मोल्स क्या प्रेजेंट है 2n, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p डैश इक्वल्स टू 2nRT डिवाइड बाय 2v, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे मैं क्या जान सकता हूँ कि इनिशियल बीकर का वेपर प्रेशर क्या है अपने पास, फाइनल बीकर के वेपर प्रेशर के इक्वल आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ लिक्विड डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ कंटेनर डिपेंड नहीं करता, स्पेस अवेलेबल फॉर वेपर डिपेंड नहीं करता। तो मैं क्या बोल सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ कंटेनर एंड स्पेस अवेलेबल फॉर वेपर। तो आपको समझ में आया इस फंडे से इजीली। अब अपन ने देख लिया यहां पे क्या कि अपन ने इस वीडियो में पढ़ा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, और वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड ए, एंड बी इज टेम्परेचर, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, और स्पेस अवेलेबल फॉर वेपर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये अपन ने पढ़ा इस लेक्चर के अंदर, और अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे क्या इस वेपर प्रेशर का केस नंबर फर्स्ट, जो कि है राउल्ट्स लॉ, और उससे अगली लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन केस नंबर सेकंड राउल्ट्स लॉ का, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, जो कि अपनी लेक्चर होगा वो क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो अपन ने आज जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा ये उम्मीद करते हैं, और आई एम सॉरी गाइज 4 दिन से वीडियोज नहीं आई, सॉरी फॉर द कैजुअलिटी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट फॉर मोटिवेटिंग अस, एंड don't forget to give it a thumbs up, and if you are new at this channel then don't forget to subscribe our channel, press the red color button which is just present below the title, and share this video as much as you can, and finally thanks for watching Upadhyay Chemistry.